इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने वाली दुबई की राजकुमारी आखिर है कौन? वो पोस्ट देखने के बाद अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आया तो चलिए इस वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब दे देते हैं। आखिर कौन है शेखा महरा, जिन्होंने एक साल पहले शादी की, 2 महीने पहले उन्हें बच्चा हुआ और अब उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दे दिया। सबसे पहले बात करें उनके एजुकेशन की तो शेखा महरा का जन्म 26 फरवरी 1994 को यूएई के दुबई में हुआ था। वो 29 इयर्स की है और शेखा महरा की जड़ें अमीराती और ग्रीक दोनों हैं, क्योंकि उनकी माँ ग्रीस से हैं। शेखा महरा ने अपनी शुरुआती एजुकेशन दुबई के एक प्राइवेट स्कूल में ली थी। उसके बाद अपनी हायर स्टडीज के लिए वो लंदन चले गई। उन्होंने ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री हासिल की है और मोहम्मद बिन राशिद सरकारी प्रशासन से कॉलेज की डिग्री भी उन्होंने ली है। आपको बता दें कि शेखा महरा दुबई के रूलर और अपने पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की 26वीं बच्ची हैं। इंस्टाग्राम पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग रखती हैं और उनके पिता दुबई के रूलर होने के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट और यूएई के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आपको बता दें कि शेखा महरा अपने सोशल कामों के लिए भी जानी जाती हैं। अक्सर उनके इंस्टाग्राम पर देखा जाता है कि वो किसी न किसी सोशल वर्क से जुड़ी होती हैं, जहां वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कई बातें करती नजर आती हैं और उसके समर्थन के लिए हमेशा खड़ी दिखाई देती हैं। उन्हें घुड़सवारी का भी शौक है। और अब बात करें उनकी शादी और तलाक की तो शेखा महरा ने मई 2023 में शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मक्तूम से शादी की थी। उन्होंने इसी साल मई में एक बेटी को जन्म भी दिया, जिसका नाम उन्होंने शेखा महरा बिन्त माना बिन मोहम्मद अल मक्तूम रखा है। हालांकि शेखा महरा ने जुलाई महीने में अपने डिवोर्स को पब्लिकली अनाउंस कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि शेख माना किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में है। तो दोस्तों, उनके डिवोर्स की वजह भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा, जिसको लेकर शेखा महरा ने आवाज उठाई और पब्लिकली अपना इंस्टाग्राम पर डिवोर्स अनाउंस कर दिया, जिसके बाद वो रातों रात लाइमलाइट में आ गई और हर ओर उनकी बातें होने लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।